तो स्टार्ट करेंगे दैट मायोग्लोबिन और ग्लोबुलर प्रोटीन से। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के केसेस में बहुत ही सिंपल सा है, जैसा आपको बताया गया कि मायोग्लोबिन क्या होता है भैया, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मोनोमेरिक, नॉन एलोस्टेरिक होता है। नॉन एलोस्टेरिक क्यों होता है, क्या है क्या नहीं, ये एंजाइम जब बताएंगे तो आपको बता देंगे कि एक्चुअली क्या होता है। नहीं पता, चलिए छोटा सा डिस्कस कर देते हैं कि कोई भी एक प्रोटीन या कोई भी एक एंजाइम होता है तो एंजाइम के पास या किसी भी प्रोटीन के पास एक साइट होता है जिससे कि वो किसी भी सब्सट्रेट से बाइंड कर सके। उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के अलावा जो होता है, इसके पास कुछ अलग सा साइट होता है, अलग सा साइट होता है जो कि बेसिकली किसी भी मॉड्यूलेटर से बाइंड करता है। मॉड्यूलेटर से बाइंड करेगा, उसके लिए यहाँ पे एक साइट होता है जो कि इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके या नहीं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली रेगुलेट कर सके। जब इस अदर देन एक्टिव साइट जो पाया जाता है, इसी साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। जिस भी प्रोटीन के पास एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होता है, वी से इट एज अ एलोस्टेरिक प्रोटीन और एंजाइम, और जिसके पास नहीं होता, वी से इट नॉन एलोस्टेरिक, मतलब नॉन रेगुलेटरी वन। ठीक है, सो मायोग्लोबिन जो होता है मोनोमेरिक होता है, मतलब इसके पास एक यूनिट पाया जाता है, नॉन एलोस्टेरिक होता है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी नहीं होता है बिकॉज इट इज मोनोमेरिक। O2 स्टोरेज प्रोटीन की तरह काम करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह काम करता है। बाइंडिंग अफिनिटी इज वेरी वेरी हाई, बाइंड्स विथ वन O2 मॉलिक्यूल। इसमें रिलैक्स्ड और टेंस्ड स्टेट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द pH, एंड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाइपरबोलिक। ये जो होता है हाइपरबोलिक कर्व होता है। एक बार फिर से ध्यान देना, ये है मायोग्लोबिन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। क्या बताया गया? दिस वेरी सिंपल थिंग। अगर देखेंगे तो मायोग्लोबिन में मोनोमेरिक होता है, एलोस्टेरिक, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन स्टोरेज, बाइंडिंग एफिनिटी इज हाई, एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, RNT एब्सेंट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है हाइपरबोलिक होता है। जबकि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा अलग, ये टेट्रामेरिक होता है, एलोस्टेरिक होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, बाइंडिंग एफिनिटी लेस है भाई, चार ऑक्सीजन से बाइंड करता है, RNT स्टेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बोर्स इफेक्ट होता है, एंड ऑक्सीजन कर्व सिग्मोइडल नेचर का होता है। लेट्स सी द कर्व हियर। देखिएगा ये कर्व आपका हाइपरबोलिक है, जैसा एंजाइम के केसेस में आप जनरली देखते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन ये है मायोग्लोबिन का, ये PO2 है और हाइपरबोलिक केसेस में पड़ रहा है। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है सिग्मोइडल, ये है सिग्मोइडल, इसमें कि कोऑपरेटिविटी शिफ्ट होती है। ये कोऑपरेटिविटी जो होता है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इस पर्टिकुलर ग्राफ के शिफ्ट होने के लिए देयर इज वन पर्टिकुलर कोड, ध्यान रहेंगे तो हमेशा आपका अच्छा चलेगा। वो है कुछ इस तरीके से, दिस इज DRIL। क्या बोला गया? ड्रिल। ड्रिल कर दिया तो आपका पूरा का पूरा जो केस है वो क्लियर हो गया। दिस इज ड्रिल का मतलब है, अगर कोई भी अफिनिटी, दिस इज लाइक अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो वो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर डिक्रीज अफिनिटी होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। देखिएगा, और अफिनिटी के लिए चाहे वो H+ हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो BPG हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, ये सब के सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी होते हैं, मतलब अफिनिटी को डिक्रीज कराएंगे अगर ये बढ़ेगा तो। जितने भी पैरामीटर है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी। ये सारे के सारे पैरामीटर H+, CO2, BPG, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, टेम्परेचर, सब के सब ये करेंगे। देखिएगा यहाँ पे इस ग्राफ में, जैसे देखिए अफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, CO2 बढ़ रहा था, H+ बढ़ रहा था, BPG बढ़ रहा था, आपके टेम्परेचर बढ़ रहे थे, ये जब बढ़ रहे थे तो सब अफिनिटी कम हो रही थी, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, और अगर जब ये घट रहे थे तो अफिनिटी बढ़ रही थी और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। दिस इज ऑक्सीजन HB डिसोसिएशन कर्व इन द हीमोग्लोबिन। इज जनरली नेचर कैसा है? सिग्मोइडल नेचर का है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, कई अलग अलग पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो देखिएगा जी, हीम जो होता है एक पोरफायरिन डेरिवेटिव कंपाउंड है,
जो कि सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे NO, जैसे CO, ये सबस्ट्रेट है जो कि आयरन से बाइंड करते हैं विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किससे बाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाइंड करेंगे, ठीक है। जबकि ग्लोबिन के बारे में, अल्फा बीटा ग्लोबिन के बारे में, ये दो ग्लोबिन होते हैं, कोई भी हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन और ग्लोबिन हीम पोरफायरिन डेरिवेटिव है, एंड दिस ग्लोबिन इज अल्फा बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन जो होता है, इसके फैमिली में अल्फा जीटा पाया जाता है, बीटा में गामा डेल्टा एप्सिलॉन बीटा। इस ग्लोबिन प्रोटीनिसिस पार्ट से जो बाइंड करता है, वो बाइंड करता है आपका क्या, वो करता है CO2H+BPG, मॉड्यूलेटर बाइंड करते हैं एलोस्ट्रिक नेचर की तरीके से। चाहे H+ हो, टेम्परेचर हो, BPG हो, CO2 हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके अफिनिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। H+ बीटा ग्लोबिन का प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन करता है, BPG भी बीटा ग्लोबिन के अफेक्ट करता है, ज़्यादातर बीटा ग्लोबिन को अफेक्ट करने के लिए पाए जाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, नॉर्मली फीटस में अल्फा टू गामा टू होता है, एम्ब्रियोनिक में एलजीटा टू एप्साइलन टू होता है, जो कि गोवर हीमोग्लोबिन जाना जाता है। इसी वजह से एम्ब्रियोनिक या फीटल स्टेज में H+BPG इन सब का इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इनके पास बीटा होता ही नहीं। इसी वजह से इनकी अफिनिटी भी जो होती है ना, वो हाई होती है, अफिनिटी हाई होती है। जबकि ना ज़्यादातर एडल्ट केसेस में अल्फा टू बीटा टू पाया जाता है 98% केसेस में। हीमोग्लोबिन जैसा आपको बताया गया, यू कैन सी द डायग्राम हियर, पोरफायरिन रिंग के हिसाब से देखिए, ये आपके पोरफायरिन रिंग है, बीच में आयरन पाया जा रहा है। दीज आर द टेट्रापायरोल रिंग, चार पायरोल रिंग है, पूरा का पूरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये आयरन ऑक्सीजन और हिस्टिडीन से बाइंड करता है, और क्या करता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इंटरैक्ट करेगा। सो दिस पर्टिकुलर HbA1 जो पाया जा रहा है, हीम एज अ सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, O2 NaCO जैसा बताया गया, आयरन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 2+ पाया जाता है, मेक द 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, चार तो पायरोल रिंग से बनाएगा, और उसके बाद जो ऑक्सीजन और हिस्टिडीन से बनाएंगे, ऑक्सीजन से एक, हिस्टिडीन से एक, एंड पायरोल रिंग से चार, तो टोटल हो जाते हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मॉड्यूलेटर जो कि ग्लोबिन से बाइंड करते हैं, जैसे CO2H+BPG, अल्फा बीटा, ज़्यादातर जो होते हैं बीटा ग्लोबिन पे एक्ट करते हैं मॉड्यूलेटर, चाहे H+ हो, चाहे BPG हो। दैट नॉर्मली अगर हम बात करें, अल्फा ग्लोबिन मेड अप ऑफ 141 अमीनो एसिड एट प्रेजेंट ऑफ द 16th क्रोमोजोम, एंड बीटा ग्लोबिन मेड अप ऑफ 146th अमीनो एसिड एंड प्रेजेंट ऑन द 11th क्रोमोजोम। 11th क्रोमोजोम पे जो होता है ये पाया जाता है। इसके अलावा जो ग्राफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ड्रिल वाला कॉन्सेप्ट, अगर अफिनिटी कम होगी तो ये जो शिफ्ट होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, एंड अफिनिटी डिक्रीज होगी तो वो जो होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा इधर की तरफ। एंड दीज आर द सम लाइक प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन एंड डिजिटल हिस्टिडीन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं HD, ठीक है। नॉर्मली को होता है कि दैट प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन एंड डिजिटल हिस्टिडीन जो होता है HDPC। प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आयरन से, एंड डिजिटल हिस्टिडीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो कि इन्वॉल्व हो जाता है ग्लोबिन से। तो दीज आर द केसेस HDPC। याद रखना कि नॉर्मली प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ग्लोबिन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आयरन से, एंड डिजिटल हिस्टिडीन जो होता है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद द ऑक्सीजन, जो कि एक्चुअली आयरन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो इस तरीके से चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जनरली हीमोग्लोबिन के ऊपर हम बात करते हैं, सिकल सेल अनीमिया का केस आ जाता है अगर इसी ग्लोबिन के 6th अमीनो एसिड को रिप्लेस कर दिया जाए, इसी अमीनो एसिड के 6th को अगर रिप्लेस कर दे ग्लूटामेट से वैलिन को, 6th ग्लूटामेट वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, तो ये बना देता है सिकल सेल अनीमिया। देयर इज वन केस ऑफ थैलेसीमिया जहाँ पे अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है, अगर अल्फा ग्लोबिन नहीं बने तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा नहीं बने तो बीटा थैलेसीमिया। तो इस तरीके के केसेस जो होते हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इज़ मोर सीवियर रैदर देन बीटा, बीटा जो होता है लेस सीवियर होता है, जबकि अल्फ़ा ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अगर कोई भी हीमोग्लोबिन जब चार ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो दिस HB बाइंड करता है चार ऑक्सीजन से, इसके पास जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दिस वन अल्फ़ा वन बीटा, यानी दो अल्फ़ा दो बीटा होते हैं, सब में एक एक करके चार आयरन पाए जाते हैं, तो चार ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। बट बिकॉज ऑफ एलोस्ट्रिक नेचर यहाँ पे जो होता है कि सिर्फ 2.8, या कोऑपरेटिविटी के बारे में जब हम बात करेंगे हिल रिएक्शंस के लिए, सो देर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन दिस लाइक आयरन जब है 2+ में रहेगा तो ये 2+ ही रहता है, 3+ में नहीं जाता है। 1HB4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, एंड बाइंडिंग इज़ रिवर्सिबल, ये बाइंड करता है फिर हट भी जाता है।
जब कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंडेड होता है तो वी सी इट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज नोन एज आर फॉर्म, जबकि डी ऑक्सी इज नोन एज टी फॉर्म। टी का मतलब टेंस्ड, आर का मतलब रिलैक्स्ड, ठीक है। व्हाट इज आर एंड टी हियर, आर समझने की कोशिश करिएगा, आर का मतलब होता है रिलैक्स्ड, ऑक्सीजन मिल गया भाई, एंड टी का मतलब है टेंस्ड। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपके आपने एक मूवी देखी होगी, वो मूवी थी बेबी। बेबी में अक्षय कुमार जाता है और वहाँ पे एक को प्लास्टिक से पूरा का पूरा कवर अप कर देता है, ठीक है, और वो एकदम सफोकेट हो जाता है, टेंस्ड हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। एग्जैक्टली वो क्या कैसे टेंस्ड हो गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली जब वैसे ही जब हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही उसको मुँह खोला, प्लास्टिक हटाया, वो सांस लेने लगा कि नहीं बचे, दैट इज रिलैक्स्ड वन। तो यही है रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड इज अ प्लेनर, रिलैक्स्टेड प्लेनर होता है, लेस आयनिक पे आ जाता है, ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। इट्स अ प्लेनर वन, लेस आयनिक होते हैं, एंड दिस इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक होता है, ठीक है, मोर एसिडिक। जब हम बात करते हैं ये, तो ये पकर्ड होता है, पकड़ का मतलब थ्री डायमेंशनल होते हैं, मोर आयनिक होते हैं एंड लेस एसिडिक होता है ये। सो दीज आर द टी फॉर्म। ये दोनों फॉर्म जो होते हैं कन्वर्ट होते रहते हैं, ऑक्सीजन बाइंड है कि नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चार सब यूनिट बेसिकली पाया जाता है, ये चार सब यूनिट जो होते हैं ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बाइंड करेगा तो दूसरे की अफिनिटी को बढ़ाएगा, दूसरा बढ़ाएगा तो वो तीसरे को करेगा, तीसरा बढ़ाएगा, इस तरीके से कई अलग अलग मैनर में बात हो रही होती है। दैट शुड बी लाइक सिक्वेंशियल और लाइक पकड़ दी, अलग अलग जो होते हैं बाइंडिंग करने के। नॉर्मली देर इज लाइक मॉडल्स टू एक्सप्लेन द एलोस्टिक नेचर, जो एलोस्टिक नेचर होता है दीज आर द मॉडल्स। जैसे कि एक होता है सिक्वेंशियल मॉडल, एक कंसर्टेड मॉडल होता है। दिस इज़ लाइक आर एंड टी, यहाँ पे देखेंगे आर का कलर और टी का कलर अलग रखा गया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। पहले जो है टी फोर कंडीशन था, टेंस्ड फॉर्म था, लेकिन जैसे जैसे ये आपका ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि पहले चारों के चारों टेंस्ड फॉर्म में थे, जैसे एक से ऑक्सीजन बाइंड किया तो यहाँ पे देखिए वो आर हो गया, बाकी तीन टी पड़े हुए, तो दिस इज टी थ्री आर स्टेज। फिर ये इसको साइड वाले को कहेगा बेटा तू भी सेचुरेट हो, वो भी ऑक्सीजन बाइंड किया, तो टी टू आर टू। इसके बाद ये इसको कहेगा तो टी आर थ्री, और फिर चारों के चारों सेचुरेबल हो जाएंगे। तो इसमें बीच में आपको हाइब्रिड स्टेट मिल रहा है। ये कौन सा मॉडल है, सिक्वेंशियल मॉडल। व्हेन यू सी द कंसर्टेड मॉडल, इसमें टी जो फोर थे चारों के चारों एक साथ आर फोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, चारों के चारों जो है आर फोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिक्वेंशियल मॉडल रिफर्स द कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ये कोसलैंड ने प्रपोज किया था, हाइब्रिड स्टेट इसमें मिलता है और KNF मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्वेंशियल मैनर में यहाँ पे हर एक टी यूनिट आर में कन्वर्ट होता है, जबकि इन द पर्टिकुलरली फॉर्म अगर हम बात करें इन दिस सिमेट्री मॉडल या कंसर्टेड मॉडल, एक बार आपको टी, एक बार आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। जैकब मोनोड ने इसको ढूंढा था, हाइब्रिड स्टेट इसमें नहीं पाया जाता, सारे या तो एक्टिव होंगे या तो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। MWC मॉडल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। HB फॉलोज द सिक्वेंशियल मॉडल, मैक्सिमम सेचुरेशन इज 70% एंड N इज 2.8, बिकॉज यहाँ पे जो मैक्सिमम सेचुरेशन होता है HB का वो 70% होता है, इसीलिए चार ऑक्सीजन से जब बाइंड करेगा, चार यूनिट है यहीं पे जब हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर केस में, तो चार यूनिट था, 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों यूनिट कितने सेचुरेट हो सकते हैं, 40% 70% मैक्सिमल। तो 4 इंटू जब 0.7 करोगे तो दिस शुड बी 2.8, इसी वजह से यहाँ पे N की वैल्यू जो होती है वो 2.8 होता है, 100% सेचुरेशन नहीं पॉसिबल होता है। तो जब भी आप काइनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे फ्रैक्शनल सेचुरेशन की बात की जाती है, Y की बात की जाती है, जिसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द log y, y इज द फ्रैक्शनल सेचुरेशन एंड n log p2, n log p50, इसका डेरिवेशन होता है, डोंट आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल अबाउट द डेरिवेशन बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू नीड द डेरिवेशन यू कैन सी द लाइक डिटेल्स पार्ट इन द बुक ऑल्सो, अदरवाइज नो नीड टू रिफर दोज थिंग्स बिकॉज इट्स नॉट द थ्योरी और सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप आराम से
कोई भी एक सिग्मोइडल कर्व के बेसिस पे केडी का जो फॉर्मूला होता है उसी से आप यूज़ कर सकते हो कि कितना ये जो इक्वेशन है यहीं से इक्वेशन से आप देखेंगे तो एच बी और फोर ओ टू जाएगा, ओ टू टू पावर फोर, इस तरीके का पूरा पार्शियल प्रेशर पे रखेंगे और उस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो है सेचुरेशन आप देखेंगे सिग्मोइडल कर्व की तरीके से हो रहा है, जहाँ पर 50% सेचुरेशन हो रहा है दैट इज़ पी 50 और ये है 50%, मैक्सिमम कितना हो सकता था 70% के आसपास। इस पर्टिकुलर पार्ट को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं, यह है आपका वाई, यह है वन माइनस वाई, वाई ये है फ्रैक्शनल सेचुरेशन कि कितना PO2 जो है कितना PO2 सेचुरेट हुआ है, कितना पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेट हो जा रहा है, दैट इज द केस हियर, PO2 डिवाइडेड बाई PO2 पावर एन प्लस KD। वही चीज़ हो रही है, उसी चीज़ को 1 माइनस वाई किया, लॉग लिया वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो ये एन लॉग PO2 माइनस एन लॉग P50। इन मोस्ट ऑफ द केसेज इस 2.8 एन की वैल्यू जो बताया गया था 70% सेचुरेशन से। इट इज़ फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए जो होता है 2.8 होता है, बट फॉर मायोग्लोबिन इट इज़ 1.0, 100% सेचुरेशन जो होता है पाया जाता है। सो दिस इज द केस फॉर काइनेटिक्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबुलर प्रोटीन, अगर समझ में आया तो फाइब्रस प्रोटीन इट्स लाइक कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर गेट, बट स्टिल दे कैन आस्क, क्योंकि इससे पहले गेट बायोटेक्नोलॉजी में कोलेजन पूछा जा चुका है, सो दे कैन आस्क इलास्टिन और केराटिन टू। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, नॉट अबाउट सो मच डिटेल अबाउट इट, बट दीज आर द फाइब्रस प्रोटीन, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। कोलेजन जो होता है इट इज़ ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, एंड ट्रिपल हेलिक्स में ये 310 हेलिक्स के बने होते हैं, और टोटल जो हेलिक्स होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, लेकिन इसके इंडिविजुअल यूनिट राइट हैंडेड होते हैं। इसमें जो यूनिट पाया जाता है GPX का पाया जाता है, ग्लाइसिन प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन और लाइसिन पाया जाता है। ये पर्टिकुलरली हाइड्रोक्सीलेशन के बाद यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड प्रोलिन और लाइसिन यहाँ पर ऐड किया जाता है। इस पर्टिकुलर केस के लिए हाइड्रोक्सीलेशन के लिए एक पर्टिकुलर विटामिन की जरूरत होती है, दैट इज विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हाइड्रोक्सीलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन द कोलेजन लाइक पेप्टाइड चेन इज देयर, पहले हाइड्रोक्सीलेशन होगा, फिर ग्लाइकोसाइलेशन, फिर ट्रोपोकोलेजन बनेगा, फिर क्रॉस लिंकिंग होगी आपस में, फिर ये बन जाएगा। इसमें ग्लाइकोसाइलेशन भी हो रहा है, इसमें ये चीज़ें भी हो रही है। इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या बताया गया, ट्रोपोकोलेजन। इलास्टीन में क्या होगा, ट्रोपो इलास्टीन। एग्जैक्टली, यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता, नो ग्लाइकोसाइलेशन, रेपिटेटिव सिक्वेंसेज नहीं होते, लेकिन कॉमन सिक्वेंसेज जरूर होते हैं, जैसे कि GAV। यहाँ पे हाइड्रोक्सी लाइसिन भी नहीं पाया जाता, और इसका फंक्शनल यूनिट डेस्मोसिन्स पाया जाता है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक इलास्टीन। केराटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाता है जाके, एक्चुअली केराटीन इज अल्फा एंड बीटा, दो अलग अलग तरीके के होते हैं। अल्फा दो तरीके के पाए जाते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन इज एसिडिक एंड टाइप टू इज बेसिक और न्यूट्रल। ये टाइप वन टाइप टू मिलते हैं और बनाते हैं डाइमर, डाइमर मिलके बनाएगा टेट्रामर जो कि प्रोटोफिलामेंट, टेट्रा मिलके बनाएगा ऑक्टामर जो कि प्रोटोफाइब्रिल बनाएगा, ये माइक्रो मैक्रो एंड अल्टीमेटली बना देंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो वैन यू कंपेयर दीज पर्टिकुलर थ्री फाइब्रस प्रोटीन, द स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर द कोलेजन एंड इलास्टिन इज ट्रोपो कोलेजन, ट्रोपो इलास्टिन, इट इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, फंक्शनल यूनिट इज कोलेजन इन द कोलेजन, इलास्टिन इज डेस्मोसिन, इन द केस ऑफ केराटिन इट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ लाइसिन कोलेजन में होगा, इलास्टिन में नहीं होगा, केराटिन में तो नहीं होगा। हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ प्रोलीन कोलेजन में भी होगा, इलास्टिन में होगा, लेकिन केराटिन में नहीं होगा कुछ भी। मोस्ट कॉमन ग्लाइसिन प्रोलीन, और उसके बाद जो आ जाते हैं हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सोप्रोलीन GAV, और इसमें पाया जाता है CGS। दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस जो कि आपके पाए जाते हैं, क्या है, फाइब्रस प्रोटीन के केसेस में। ठीक है,